वेलकम टू आज के विशेष ट्रैवल ब्लॉग। तो आज मैं आप लोगों को शिप का किचन दैट इज गैली कैसा दिखता है दिखाने वाली हूँ। ये हमारे चीफ कुक है, तो इनके साथ हम चलेंगे पूरे गैली के टूर में। तो लेट्स गो। ओके, हाँ हाँ, ओके। अच्छा ओके, ये हमेशा गर्म रहता है? हमेशा नहीं, हम सुबह 6 बजे शुरू करेगा, 1 बजे को बंद करता हूँ। ओके, 24 ओके। और ये क्या है? ये रॉड्स, ये रॉड्स हम लोग का, ये जहाज का रोलिंग का है, अंडे बंद करता है, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है। ओके, इसको ऐसा करके फिट कर देते हैं। ओके, और ये क्या है जिसको? ये तो बॉयलर है, हां हां, बन जाते हैं अंदर से। ओके, अभी गली में थोड़ा खाना का गर्म पानी मांगते हैं, इससे ले सकते हैं गर्म पानी। ओके, और फिर तो गली का फ्रिज है, हां हां। ओके, और ये क्या है जिसको? ये तो कीबोर्ड टू है। ओके, फायर होएगा तो उसके लिए। ओके, और वहाँ पे फर्स्ट एड है, ऑपरेशन करना, ये तो फर्स्ट एड है। ओके, इमरजेंसी के लिए। तो ये हम लोग का गैली ऐसा दिखता है। और ये क्या है चीफ कुक? ये वाला ऊपर का, ये? हाँ, ये चिप्स पैन है, गैली का गरम रहेगा तो इसमें से निकल जाता है। ओके, और ये चीफ कुक, यहाँ पे एक फायर एक्सटिंग्विशर भी है। और ये क्या है? ये तो हम लोग का आटा मिक्सर है। ओके, चपाती बनाने के लिए मिक्सिंग करता है। ओके, मिक्सिंग होता है। ओके, तो सब मसाला का सामग्री है। और ये चाकू इतने सारे क्या है? ये अलग अलग चौके, एक मटन काटने के लिए, एक चिकन काटने के लिए, ओके, काटने के लिए। ओके, अलग अलग आइटम्स। ओके, और ये सब मिक्सिंग का वो सब कनेक्शन है। ओके, और ये सारा कैबिनेट है, और गैली ऐसा दिखता है हमारा। तो चलिए चीफ कुक, प्रोविजन स्टोर चलेंगे हम। ये जो दरवाज़ा है ये नीचे की तरफ जाएगा प्रोविजन स्टोर के पास। और ऑल्सो ये इतने सारे कटिंग बोर्ड्स हैं, हर चीज़ अलग अलग का, अलग अलग चीज़ कट करने के लिए। ऐसा कलर चिकन का, ये मटन का, एक फिश का, ऐसा कलर कोड रहता है। ओके ओके, चलिए नीचे चलते हैं। ये है हमारा प्रोविजन स्टोर का फ्रिज है। ओके, यहाँ पे फूड वेस्ट रखते हैं। ये फुली फ्रीज्ड है ना? फ्रीज्ड है। ओके, पानी में नहीं फेंकने का। ओके, फोटो वाला आके लेके जाएगा। ओके, प्रोविजन स्टोर, ये तो ड्राई स्टोर, ड्राई स्टोर। ओके, ड्राई प्रोविजन स्टोर, तो ये पूरा सुपर मार्केट जैसा है। सारा चीज है यहाँ पे, सॉल्ट, शुगर, सब कुछ रहता है, बिस्किट, बिस्किट। ओके, और जो ड्राई प्रोविजन है इसके अंदर सब कुछ रहेगा, जाम, बटर, जाम। ओके, हर चीज रहता है इसके अंदर। सारा राशन है यहाँ पे, सारा राशन इसके अंदर रहता है। तो ये चीफ कुक अभी जैकेट पहन रहे हैं, कहाँ जाने के लिए? अभी फिश रूम में अंदर जाने के लिए जैकेट पहनना पड़ता है। ओके, इसका माइनस में रहते हैं फिश रूम और मीट रूम। ओके, -17 -18 में रहते हैं इसके अंदर। ओके, ये जैकेट पहनना पड़ता है। चलिए फिर अंदर चलते हैं। मैंने भी जैकेट पहना हुआ है। ओके, अभी हम लोग वेजिटेबल रूम में जा रहे हैं। ओके, ये है वेजिटेबल रूम, सब कुछ, सब फ्रेश वेजिटेबल्स अंदर रहते हैं। सो दीज आर ऑनियंस, अभी महंगाई है ऑनियन की, और यहाँ पे इतनी सारी ऑनियंस हैं। ओ वाओ, ये क्रिसमस के लिए, ये क्रिसमस के लिए। ओ माय गॉड, सो मेनी, दीज आर ऑल जूसेस एंड ये सब वेजिटेबल्स हैं। और सो
सब वेजिटेबल्स हैं भरे हुए क्रेट्स में और फ्रूट्स। बहुत ही ठंडा लग रहा है। आप तो बच गए चीकू पूरा एकदम डाल के। ये टमाटोज, कैरेट, जिंजर, गार्लिक, सब कुछ मतलब भरा हुआ है। आटा वाटा सब, और अब हम यहाँ से एग्जिट करते हैं। और ये है फिश रूम। ओके, ब्रेड है और बोले वेजिटेबल्स है, फिश है। ओके, सब कुछ इसके अंदर रहते हैं, फिश रूम बोलते हैं। बाप रे, बहुत ठंडा है यहाँ पे, -17 है। ये सारा मीट, फिश और ये ब्रेड कितना दिन तक रहता है चीकू? एक महीने तक ना। ओके, और अब हम मीट रूम के अंदर जाते हैं। चिकन, ओह माय गॉड, चीकू मेहनत कर रहे हैं हमें दिखाने के लिए। ये सब चिकन और सारा मीट रखा हुआ है। God, I'm freezing right now. So, ये हमारा प्रोविजन का सारा रूम्स है। यहाँ पे सारा टेम्परेचर डिस्प्ले होता है। यू कैन सी मीट रूम का -16.5 है, ये फिश रूम का -19 है, वेजिटेबल रूम का 3.5 डिग्रीज और लॉबी का 5.5 डिग्रीज। यहाँ पे सारा डिस्प्ले होता है। सो थैंक यू फॉर शोइंग एवरीथिंग। बाय।